नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आसन जिया। पंचायत चुनाव का दौर चालू है और बंजरिया प्रखंड में नॉमिनेशन 26 तारीख से शुरू है। हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं आमिर जावेद साहब, जो पचरूखा मत सिसवनिया जो ये समिति का क्षेत्र है, पंचायत समिति, उसके कैंडिडेट है या नॉमिनेशन डाल चुके हैं। इनसे कुछ हम बात करेंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा मुद्दा है, कौन ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे पहले आमिर साहब, एनएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने न्यूज़ पे मुझे बुलाएं, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। तो ये बताइए कि सबसे पहली बात कि राजनीति में आना, इलेक्शन पहली बार आप फाइट कर रहे हैं, छात्र राजनीति में आप सक्रिय रहे हैं, मगर पंचायत चुनाव में समिति में लड़ने का मतलब दिमाग में कहाँ से बात आई, कौन ऐसी वजह रही जो आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं तो 6-7 सालों से मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने स्टूडेंट यूनियन का भी इलेक्शन मैंने अपने MS कॉलेज से लड़ा हूँ और बहुत अच्छे तरह से वहाँ से प्रदर्शन भी किया। लेकिन जो मेरा जन्मभूमि है वो सिसवनिया का ही धरती रहा है और मैं यहाँ हमेशा से देखता हूँ कि यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ये हमारा जो हर साल यहाँ पे बाढ़ से हमारे जितने भी यहाँ के लोग हैं वो बाढ़ से घिरे रहते हैं, ग्रसित रहते हैं, इसलिए यहाँ का जो विकास का जो दर है वो बहुत ही निचला स्तर पर चल रहा है। चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, वो भी बहुत निचले से स्तर से चल रहा है। हमारा जो रोड है वो कम से कम रोड पर 6-7 फीट ऊपर तक पानी रहता है, जिससे कम से कम 3-4 महीना तक हमारा जो रोड है मोतिहारी से और सिसवनिया तक का ये हमारा लिंक टूट जाता है शहर से। गांव एक अलग हो जाता है और हमारा शहर से पूरा लिंक टूट जाता है, जिससे हमारा विकास का जो गतिविधि जिस तेजी से बढ़ना चाहिए हमारे पंचायत में उस तेजी से नहीं बढ़ पा रही है। और यहाँ जो भी गरीब मजदूर हैं, तकबा हैं, सबसे ज़्यादा कमाने वाले हैं लोग हैं जो मोतिहारी जाके, उनको बहुत सारी दिक्कत यहाँ पर झेलनी पड़ती है। यही सब देख के, मुद्दा देख के, गरीबों का मुद्दा देख के, यहाँ का सड़कों का मुद्दा हो गया जो अभी तक हर एक गली में पक्कीकरण नहीं हुई है, मिट्टी पे ही चल रही है, बारिश के दिनों में यहाँ पे इतना दिक्कत होता है लोगों के चलने में, या फिर जो भी गरीब मजदूर जो बाहर जाते हैं कमाने, अगर उनको अपने यहाँ ही रोज़गार मिल जाए, अपने पंचायत में रोज़गार मिल जाए, तो उनको फिर बाहर जाने की क्या दिक्कत है मजदूर लोगों को। यही सब देख के मैं ये हुआ कि मैं कुछ अपने क्षेत्र के लिए कर सकूँ। नमस्कार, पंचायत चुनाव का नामांकन जो है 26 तारीख से प्रारंभ हो चुकी है, सभी प्रत्याशी रोज जाकर अपना नामांकन दाखिल कर रहा है, मगर कुछ अलग प्रकार का एक बहुत ही ज़्यादा उत्साह लोगों में और बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करके जनाब क्यामुल हक साहब के जो नामांकन में इतने लोग आए, हजारों हजार की संख्या में। सबसे पहले हम क्यामुल साहब से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर कौन सा मुद्दा पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्यामुल साहब, एनएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत 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 बधाई। सबसे पहले ये बताइए कि कौन सा मेन मुद्दा है जिसको लेकर के आप क्षेत्र में उतर रहे हैं, चुनाव के मैदान में? क्षेत्र में उतर रहे हैं हम विकास को लेकर के। बंजरिया प्रखंड जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रखंड है, बहुत पहले से, यानी जिला में सबसे पिछड़ा हुआ अगर प्रखंड कहा जाए तो बंजरिया प्रखंड है। और मैं पूरे उम्मीद के साथ में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि जब मैं लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है हमको, अगर मैं जिला परिषद बनता हूँ तो मैं अपने बंजरिया के लिए बहुत कुछ करूँगा, और पहले भी मैंने किया है बहुत सारा काम जो है, जो भी जनमानस का जो काम होता है, जनता का जो काम होता है, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे निरंतर। एक बार हम सभी लोगों से मौका मांग रहे हैं कि हमको एक बार मौका दिया जाए बंजरिया 22 बंजरिया के लिए, हम आगे बहुत कुछ करके यहाँ के विकास का काम। बीते दिनों एक आंदोलन तिरवा इलाके के लोग कर रहे थे हॉस्पिटल को लेकर के, जिसमें आपकी भूमिका बहुत सक्रिय रही है। जी जी, ये बताइए कि जीतने के बाद जिला, ऐसे जिला परिषद होने के नाते उस हॉस्पिटल के लिए आप क्या करेंगे? उस हॉस्पिटल के लिए, जो हॉस्पिटल जो बन रहा है उस हॉस्पिटल के लिए मैंने सबसे पहले लड़ाई शुरू किया है और हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया है, जहां तक जितना हो सकता है हम लोगों ने किया है और आगे भी कर रहे हैं। अगर जिला परिषद हम बनते हैं तो उसके लिए उस लड़ाई को हम आगे तक ले जाएंगे। और दूसरी बात है कि आप पहले भी मैंने काम किया है, सिकराना नदी में जो आप पुल देख रहे हैं उसके लिए, लोगों को आंदोलन करने के लिए और लोगों को तैयार करने का मैंने काम किया है। सबसे पहला व्यक्ति मैं ही हूँ कि मैं उसके लिए आवाज़ उठाया था और पूरे बंजरिया प्रखंड के लोगों ने हमारा साथ दिया था और हमारा पुल भी बना मुख्यमंत्री जी के द्वारा,